नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज मत्स्यजीवी सहकारिता समिति सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे। साथ ही साथ मछुआरे समाज के जितने भी लोग थे वो मौजूद थे और अपनी परेशानियों को जो है वो तारकिशोर प्रसाद से बताएं। साफ तौर से डिप्टी सीएम ने जब मीडियाकर्मी से बातचीत किया तो उनका कहना था कि मुकेश सहनी जो काम किया है मछुआरे समाज के लिए वो सरासर गलत है। मछुआरे समाज के अहित के लिए उन्होंने काम किया है और मैंने तत्काल विभाग को आदेश दिया है कि उस नियम में जो है वो रोक लगाई जाए और जल्द ही उसमें बदलाव किया जाएगा। पहले हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। मनोज कुमार सिन्हा जी से हमारी दूरभाष पर बात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात करके कई निर्देश भी दिए हैं और श्री मनोज कुमार सिन्हा जी ने भी कहा है कि जो दोनों घायल हुए हैं उनका बेहतर ढंग से इलाज हो रहा है और पुलवामा में भी अपने एक जवान शहीद हुए हैं जो अपने बिहार के मुंगेर जिला का है, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, शोक भी प्रकट करते हैं। और कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवादियों के खिलाफ हमारी केंद्र की सरकार ने लड़ाई लड़ी है और आतंकवाद का जिस प्रकार से खात्मा करने में जुटी है तो आतंकवादी बौखला गए हैं। और हाल में आपने देखा होगा कि कई जम्मू कश्मीर को एक बेहतर राज्य बनाने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए गए हैं जो आतंकवादी को एवं जो पाकिस्तान के सह पर जो अलगाववादी तत्व हैं उनको कहीं कहीं परेशानी हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार और हमारे जो माननीय उपराज्यपाल जी श्री मनोज कुमार सिन्हा जी हैं वो आवश्यक कदम उठा रहे हैं और भविष्य में मत्स्यजीवी सहयोग समिति की सदस्यता के लिए जो पोर्टल बनाया गया है इसमें कई जो सरकार का जो मूल उद्देश्य है जो परंपरागत मछुआ या मछुआ समाज से लोग आकर जो लंबे अरसे से मछली पालन या मछली के द्वारा अपने जीविका उपार्जन करते हैं तो इससे लोगों की अनदेखी की जा रही है और इससे मछुआ समाज काफ़ी आहत भी है क्योंकि इसमें जिस प्रकार से ऑनलाइन सदस्यता के जो कुछ मापदंड बनाए गए हैं वो इतने लचर और हल्के हैं। इसमें जो दूसरे लोग हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से कई चीज़ों को देखते हैं तो उनके प्रवेश की सारी संभावनाएं इसमें ऑनलाइन आवेदन में निहित है और इसको वास्तव में रोकने की जरूरत है। मांग किया गया है कि रोक दिया जाए तो कब से प्रभाव में इसको लाया नहीं, इसको हम निश्चित तौर पर सहकारिता विभाग के अपने माननीय मंत्री आश्वस्त हैं तो उनके साथ बात करके और जो सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात करके और फिर पशुपालन विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे विमर्श करके इसको एक बार तत्काल हम रोकने की कार्रवाई करेंगे। और फिर जो प्रतिनिधिमंडल हमारे माननीय सांसद जी के साथ आज हमसे मिलने आए हैं उन्होंने जो आवेदन में कई बिंदुओं को उठाया है उसकी गहन समीक्षा करके फिर मछुआरों के हित में जो उचित निर्णय हो विभाग लेगा, हमारी सरकार ठीक है। उन्हें 2000 रुपया से लेकर 5000 रुपया तक उन्हें जुर्माना लगेगा, उसके लिए जो हमारे अपर वरीय अपर समाहर्ता हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी की शक्ति हम सबों ने दिया है। और जब दूसरी बार शराब सेवन करते हुए पकड़े जाएंगे तो 1 वर्ष तक की उन्हें सजा हो सकती है। और भी कई संशोधन किए गए हैं जिससे कि इस कानून को और हम बेहतर ढंग से उसका अनुपालन कराने में हमें सफलता मिली। ठीक है सर। मछुआ में बहन बेबी कुमारी जी हमारी एनडीए की सशक्त उम्मीदवार है और सीट को हम लोग पुनः जीतेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और
जितने भी हमारे एनडीए के साथी हैं सभी लोग एकजुट होकर बोचा में हम लोग चुनाव अभियान में लगे हुए हैं और इस सीट पर हमारी विजय। आपने सुना कि क्या कुछ कहें, आपको बता दें कि वहीं उन्होंने शराबबंदी को लेकर के भी कहा है कि बिहार में जो संशोधन किए गए हैं शराबबंदी को लेकर के वो अच्छे हैं और इसका हम स्वागत करते हैं, इससे राहत पहुँचेगी और सरकार के काम में भी जो है वो बाधा नहीं आएगा। इसकर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।